एक अर्जी का भजन गाऊंगा सच्चे मन से, अपने लिए गा रहा हूं, आप अपने लिए गाना प्रेमियों। सुन ले कन्हैया अर्जी हमारी, तारो न तारो ये है मर्जी तुम्हारी हो। एक विषय पिछले एक दिन से फेसबुक पर बड़ी चर्चा में है कि विगत एक दिन पहले चंडीगढ़ में कीर्तन हुआ और उस कीर्तन में बारिश आने के कारण कीर्तन नहीं हुआ और मैं वहां था और मैंने जबरदस्ती मंडल वालों से कुछ रुपए मांग लिए कि भाई हम आए हैं तो हमें आपको इतना पेमेंट देना ही पड़ेगा। ये मंच उस चीज के लिए नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ रोहतक वालों से, मगर आज ये बात करनी जरूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ आपके बीच। पैसे का लालच ना पहले था ना आज है ना कल रहेगा। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? ये जो शुल्क हम लेते हैं ना ये बस उसी वजह से है, और दाम तय करने वाला कोई नहीं है। हमने जो मांगा सामने वाले ने दिया, अगर कभी हम मांगे और सामने वाला नहीं देगा तो हमारी मजाल है कि हम उसे छीन ले? नहीं छीन सकते ना। आज इस भरे दरबार में बाबा श्याम को साक्षी मानकर, उसकी जोत को साक्षी मानकर ये बात कहना चाहता हूं कि उस मंडल से मैंने एक रुपया भी नहीं लिया है। वो जो लाख रुपए की बात कर रहे हैं वो अभी भी वहीं पर चंडीगढ़ में ही है, नरेश पुनिया जी के पास है, और वो मेरे पास पैसा ना कल था ना आज है और ना कभी रहेगा। और पैसे का कोई लालच नहीं है, इस बात को मैं सिद्ध तो कैसे करूंगी, कोई सीना फाड़ के, मैं बालाजी महाराज तो हूं नहीं कि सीना फाड़ के दिखा दूं, लेकिन हां एक छोटा सा कार्य कर सकता हूं और जब तक प्रभु शक्ति देगा तब तक करता रहूंगा। आज रोहतक के इस कीर्तन में आया हूं, ये मंडल इसलिए जाना जाता है कि निशुल्क कीर्तन करता है 11 को, बहुत ज्यादा शुल्क नहीं है मेरा आप जो भी समझ लें, लेकिन जो भी मैंने इस मंडल से लिया है और जो लूंगा वो सारा इसी मंडल को वापस, और जितने भी 11 के निशुल्क कीर्तन करते हैं उसमें जहां तक मेरा योगदान बन सके ये मेरी तरफ से इस पूरे मंडल को। आगे भी कभी मैं इस मंच के माध्यम से नहीं नहीं मैं अगदारी नहीं हूं इसका, नहीं नहीं, और रोना इसलिए नहीं चाहता, मन कर रहा है क्योंकि आज धमकी भरे फोन भी आए हैं, कुछ लोगों ने मारने की धमकी भी दी है जान से। रोना इसलिए आता है क्योंकि परिवार की चिंता है, लेकिन फिर भी अपने आप को कंट्रोल करूंगा क्योंकि आंसू बहाने से लोग उसका न जाने कितना मतलब निकाल लेंगे। मगर बस एक बात कहूंगा, हम कलाकार हैं और किसी चीज का चेहरा नहीं होता ना तो उस चीज को गाली देने में मजा नहीं आता। मंडल जो है वो बहुत लोगों का होता है, हमारे साथ भी, मेरे साथ भी काफी बार ऐसा हुआ है कि काफी मंडलों ने ऐसी चीजें कर दी, ऐसी हरकतें कर दी जो हमारे लिए गलत थी, लेकिन हम कहीं बोलने नहीं गए। क्यों? क्योंकि फेसलेस है ना, फेसलेस है, आप किसी एक चेहरे को गाली नहीं दे सकते, बहुत सारे चेहरे हैं, और यहां पर कलाकार एक हो जाता है, चेहरा है तो आप टारगेट बना लो, क्या दिक्कत है। लेकिन फिर भी कहूंगा सब लोग गलत नहीं है और मेरे लिए तो कोई गलत नहीं है साहब, सारे अच्छे हैं। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं अगर चंडीगढ़ के किसी भी प्रेमी को मेरी वजह से दुख पहुंचा हो, फिर भी कहूंगा इस अग्नि को साक्षी मानकर, इस ज्योत को साक्षी मानकर, हमारे बाबा श्याम को साक्षी मानकर कह रहा हूं, ना उनका एक रुपया कल मेरे पास था ना आज मेरे पास है ना कल मेरे पास होगा, वो पैसे चंडीगढ़ में ही पड़े हैं और उन्हीं के पास पड़े हैं। जो बदतमीजियां मेरे साथ उस दिन हुई बंद कमरे में वो तो मैं क्या ही बयां करूं। मिडल मैन जो बीच में एक माध्यम था, एक श्याम प्रेमी वहां पर था जिसने हम सबको बुक किया था, मुझे भी, नरेश पुनिया जी को भी, सबको भी, उनको ये कहा गया कि जहां से लाए हो वहीं भेज दो, हमारा कीर्तन नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो उस बंदे की भी दाद की बात है कि उसने एक जुबान नहीं खोली, कुछ नहीं खोला, वो हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन कोई बात नहीं, ना मंडल दोषी है ना कोई दोषी है, कोई भी दोषी नहीं है, समय दोषी है। समय खराब था तो मेरा भी नाम खराब हुआ और मंडल को भी आहत हुआ, चंडीगढ़ के लोगों को भी तकलीफ हुई। मैं पूरे चंडीगढ़ से माफ़ी मांगता हूँ फिर से, लेकिन उनका एक भी रुपया मेरे पास नहीं है। मैं इस मंच से ये बात कहना चाहता हूँ
और दूसरी बात मैंने आप सबको कह दी कि आज के कीर्तन का कोई भी शुल्क मेरी जेब में नहीं जाएगा, और जो भी यहाँ निःशुल्क कीर्तन करते हैं ग्यारस में, आपकी मंडली करती है ना, तो इस मंडल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो मेरा शुल्क है आप लगाते जाओ जहाँ तक लग सकता है, और जितने निःशुल्क कीर्तन आप करना चाहो उसके साथ आज की जो आपकी पेमेंट है उसमें दो बस खाटू जी बिल्कुल फ्री लेके जाएंगे।